छोटे हाथी को आपने सड़कों पे सामान ढोते हुए खूब देखा होगा, लेकिन सामने की तरफ एक बहू जी हैं जिन्होंने छोटे हाथी को चलती फिरती दुकान बना दी है, खाने वाली दुकान। तो भाई नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ भाऊ जी अपना? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, तो राजेश कुमार जी, छोटा हाथी माल ढोने के काम आता है, माल गाड़ी बन जाता है, आपने इस माल गाड़ी को किचन बना दिया, रसोई बना दिया। माल तो सभी लोग ढोते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसका कुछ और अलग इस्तेमाल करा जाए इसका। तो अलग इस्तेमाल करने चक्कर में रसोई बना दी। रसोई बना दी इसकी। तो कुछ और क्यों नहीं सोचा, मतलब रसोई बनाने के अलावा? ऐसा क्योंकि चलती फिरती दुकान, लोगों के जिनको भूख लगती है उनके काम भी आएगी। पहले कहावत होती थी, जब भूख लगती है तो खुद बंदा पहुंच जाता खाने पर, लेकिन अब खाने बनने के बाद लेके पहुंच जाता। अरे वाह भाई वाह, मतलब मैं अगर घर बैठा हूँ आपको फोन मारता हूँ, छोटा हाथी घर पे आ जाएगा क्या? मेरे आ जाएगा। क्या खिलाते भाई जी यहाँ पे? ये राजमा है। अरे वाह, क्या रंगत है भाई जी। तो भाई जी माल खुद ही बनाते हो सारा जी? और कितना टाइम लगता है इस राजमा को बनने में? इसको लग जाता है आधा घंटा। ये कड़ी है। अरे भाई, कड़ी पकौड़ा। ये पकौड़े किस चीज के बनाते हो? पाले वाले बनाते हो? बेसन के। अच्छा, बेसन के पकौड़े हैं। तो छाछ के बनाते हो दही की? ये छाछ की बनाते हैं। और ये राई चावल है, बासमती। चावल कौन सा लगाया हुआ जी? ये बासमती है। बासमती। अब खिलाते कितने प्लेट है ये बता दो। फुल प्लेट 40 है, हाफ प्लेट 30 है। और मैं देख रहा हूँ ये छोटा हाथी अभी भी चलने की स्थिति में, सिर्फ खड़ा रहता है यहाँ पे? नहीं, चलने की स्थिति में भी है, बैटरी लगाते ही चालू हो जाएगा। तो लगाइए भाजी, एक प्लेट हमारी लगाइए, हाफ प्लेट लगाइएगा। मिक्स कर देते हैं जी? मिक्स करके लगाइएगा एक हाफ प्लेट। और अभी मैंने खा के भी देखे इनके, पहले बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को, तो मैंने सोचा एक बार मिक्स करवा के भी देखे। और ये आ गए जी कड़ी पकौड़ा। सब्जी खत्म हो गई थी, ले सकते हैं एक्स्ट्रा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पकौड़ी खाने का ज्यादा शौकीन है तो आप ले सकते हैं कोई। अरे जितना मर्जी ले, बहुत ही बढ़िया, दिलदार आदमी है मतलब। और ये आ रहा जी अपना राजमा। ये होता है जी चाट मसाला, ये धनिया पुदीने की चटनी, प्याज। इतना सारा माल डाल के दो, मात्र 30 रुपए में। भुनी मिर्च, जीरा। हमारे यहाँ पे 30 रुपए की प्लेट आ गई है, राजमा चावल, कड़ी चावल। अब फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं छोटे हाथी की रसोई का स्वाद कैसा है। पहले राजमा के साथ लेते हैं भाई, पंजाबी स्टाइल राजमा, चटपटे मसालेदार, और जो उन्होंने चटनी डाले पर से बहुत ही बढ़िया। और एक कड़ी भी लेते हैं भाई थोड़ी सी। भाई कड़ी की रंगत बहुत बढ़िया, छाछ क्या बनाते हैं भाई, हल्की हल्की खटास वाली कड़ी और अच्छे से पकी हुई कड़ी भी कड़ी है। और एक घंटा बाबू जी ने बताया इसको पकाते हैं, छाछ क्या बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद में। कभी भाई मुरादाबाद आते हो तो मुरादाबाद में देख लो, ये बाबू जी आपको दिख जाएंगे। और इनकी जो लोकेशन है एक बार आपको बता दो, पेट्रोल पंप है कौन सा रोड में? रोड ये सब पीतल नगरी रोडवेज। पीतल नगरी रोडवेज, और ये सामने पेट्रोल पंप है लैंडमार्क के लिए, इसी के अपोजिट में भाजी मिलते हैं। तो जरूर से आए, जरूर से ट्राई करें, आपको खा के मजा आने वाला है। तो भाई मुझे तो खा के बहुत मजा आया, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से जरूर से शेयर करें।